हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेडियाई क्रिकेटिंग स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने दोस्तों 7-3 के पदों पर यहां पर ये वैकेंसी है, यहां पर केवल लड़कियां आवेदन कर सकती है। ये अपडेट है, बड़ी अपडेट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें। आपकी जो भी बहन है या आपके कोई दोस्त है जो कि लड़की है, तो आप इस फॉर्म को भरवा सकते हो उनसे। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है, 10वीं पास आवेदन है, अंतिम तिथि जिसकी है 10 अगस्त, आज से आवेदन शुरू है। ऑफलाइन आवेदन है 27 जुलाई 2020 9:30 बजे की बड़ी अपडेट। चलिए पूरी जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यालय उप निर्देशक महिला अधिकारिता भरतपुर, यहाँ पर जो है वो वैकेंसी दोस्तों जारी की गई है। आप देख सकते हो दिनांक, ये नोटिफिकेशन आज ही हमारे को मिला है, जो कि आप यहाँ देखिएगा। विज्ञप्ति संख्या 1, जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में मानदेय कार्मिक के रूप में 7-3 के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्यालय द्वारा महिला आवेदकों से दिनांक 10/8/2020 को 5:30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। क्रमशः यहाँ पर ग्राम पंचायत दे रखी है आपको, पंचायत को समिति, दोस्तों पंचायत समिति दे रखी है। इन पंचायत समितियों में यहाँ पर कौन कौन सी जगह ग्राम पंचायत में यह आरक्षण है, क्या है, कौन सी वैकेंसी है, सारी आपको बताऊँगा। नगर जो पंचायत है दोस्तों भरतपुर में, उसमें यहाँ पर बांसबूजा में वैकेंसी है, आरक्षण की स्थिति अल्पसंख्यक। कामा जो पंचायत समिति है उसमें है सोम का, लाडलाका, गोसिंगा, गड़ाजान, ये यहाँ पर दोस्तों भर्ती निकली हुई है। बयाना, गाजीपुर, गुर्दा नदी और रूपवास में है दोस्तों पिचुना, दोरदा। यहाँ पर आगे और अपडेट क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, यानी कि वही आवेदन कर सकता है यहाँ पर, मात्र जो इन पंचायतों का यानी कि ग्राम पंचायत का निवासी होगी। उसके घर में शौचालय होने व नियमित उपयोग संबंधी घोषणा पत्र संलग्न होना अनिवार्य है, यानी कि उसके घर पे लेटरिन बाथरूम होना जरूरी है और उसमें जाते भी हो, ये यहाँ पर बताया गया है। साथ ही हेतु न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना तथा विवाहित होना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पर जो है 10वीं पास होना भी चाहिए, साथ ही में उसकी शादी भी हो रही हो। कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आवेदन की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष की मध्य होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 21 से 40 वर्ष, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता के लिए 21 से 45। आवेदक अपने आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवास डाउनलोड पर होगा। अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया, बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12th नीट IIT JEE मेंस एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउनलोड ऐप। प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता हो तो उससे संबंधित भी आपको प्रमाण पत्र, दस्तावेज RSCIT प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, BPL कार्ड हो तो वो भी, एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित छायापत्ति लगाएं, यानी कि आपके खुद के साइन करके वहाँ पर उनकी जेरोक्स लगानी है। आवेदन फॉर्म इस कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट से, यानी कि आपको या तो कार्यालय में लेके आना है फॉरम, या जो ये वेबसाइट दे रखी है www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि आप यहाँ से भी अपना फॉरम क्या है डाउनलोड करवा लीजिए, या ई मित्र में जाइए वहाँ से बोल दीजिए कि हमें 7 दिन का फॉरम भरवाना है और ये वेबसाइट बता देना उसके लिए जाके। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए वेबसाइट का, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप इस कंप्यूटर वाले को बताइए और फॉरम निकाल के दे देगा, आप जिस भी पंचायत में फॉरम भरना चाहते हो वहाँ फॉरम भर देना। आवेदन आप पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र 2 प्रतियों में इस कार्यालय में दिनांक 10/8/2020 तक 5:30 बजे तक व्यक्तिगत डाक के माध्यम से जमा करा सकते हैं, यानी कि आपको 10/8/2020 तक जो ऑफलाइन जो आपका फॉरम है आवेदक द्वारा 2 प्रतियों में होना चाहिए, उसे आप आवेदन को जो कहे डाक के माध्यम से भेज देना कार्यालय में। एक बार आवेदन प्रस्तुत या जमा करने के पश्चात उसमें संशोधन करने अथवा अनुलग्न संबंधित संलग्न करने की अनुमति नहीं है, यानी कि आपके हाथ से एक बार गलती हो गई तो वह गलती हो गई, यह समझिए, दोबारा से एडिट नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिशा निर्देशों दिनांक 9/9/2015 के अनुसार ही मान्य होंगे, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग के जो प्रमाण पत्र है वो 9/9/2015 के अनुसार मान्य होंगे।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी किया है अमित गुप्ता, उपनिदेशक महिला अधिकारिता भरतपुर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, पता वगैरह सारा, फ़ोन नंबर भी दे रखे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेल आईडी आपकी यह है। यहाँ क्या है दोस्तों, ये सारा लिखा हुआ है, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अतिरिक्त निदेशक महोदय महिला अधिकारिता राजस्थान जयपुर, मुख्य अधिकारिता महोदय जिला परिषद भरतपुर, विकास अधिकारी पंचायत समिति नगर कामा बयाना रूपवास को पत्र प्रस्तुत कर निवेदन की दिनांक 15/8/2020 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के एजेंडे में शामिल कर सातिन चयन की कार्यवाही कराने का श्रम करें। यानी कि 15/8/2020 को ही आपका इसमें नंबर वगैरह आएगा और सारा बता दिया जाएगा किसका नंबर आया किसका नहीं आया, ये सारा नोटिस वगैरह आपको मिल जाएगा। दोस्तों, बड़ी अपडेट है, सबसे पहले इस भर्ती को करवाया जाएगा, यानी कि सातिन के पदों पे 15/8/2020 को जो बैठक होगी उस एजेंडे में रखा जाएगा कि किसका सिलेक्शन करवाना है किसका नहीं करवाना। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ देखा जाएगा और आपका इसमें कोई पेपर नहीं होगा। इसीलिए आपके जो भी आपकी, मान लो आप उसके हस्बैंड देख रहे हो तो आप उसको फॉर्म भरवाइए, आप भाई बहन देख रहे हो तो उसके जरूर आपकी बहन का जरूर फॉर्म भरवाइए, यदि शादी वगैरह हो रही हो और 10वीं पास कर रखा हो तो जरूर भरवाइए। दोस्तों, इस पंचायत से आप रिलेटेड हो, बांसभुजा, सोमका, लाडलाका, गोसिंगा, गड़ाजान, गाजीपुर, गुड़दा नदी और पिचुना, दौरदा, तो यहाँ पर जो भी है भरतपुर के, वो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।